हैं या दंडाधिकारी हैं, क्योंकि विधानसभा के परिसर के अंदर हम लोगों को तब तक नहीं जाना है जब तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय या माननीय सभापति महोदय के द्वारा स्वयं आप लोगों को बुलाया नहीं जाता है। पिछली बार आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग सभी ने मीडिया में देखा भी था, जब बीसैप का बिल पास हुआ था, एक्ट बना था, तो काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति हुई थी, बाहर से हम लोगों को फोर्स भी बुलाना पड़ा था। इसलिए इस बारी 8 जगह पे QRT रखा गया है। जितने भी QRT इंचार्ज हैं आप लोग अपना प्रतिनियुक्ति स्थल देख लीजिएगा, और जब तक सत्र चलेगा कोई भी QRT हटेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है और एक कॉल पर आप लोगों को आना है। इसी प्रकार की परिसर के बाहर किसी तरह की आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो आप लोगों का रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए। इसलिए सभी QRT प्रभारी, जो आठों की आठों QRTs बना है, आप लोग अपना प्रतिनियुक्ति स्थल देख लीजिए, आप लोगों को कहाँ से प्रवेश पाना है, कहाँ से आप लोगों की एंट्री होगी और कौन कौन सा आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति है तो आप हम लोगों से संपर्क करके उसको क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं अन्यत्र जिलों से भी आते हैं, और आप लोगों को हो सकता है कि नहीं जानकारी हो कि आपके प्रतिनियुक्ति स्थल के जो आने वाले रास्ते हैं या फिर निकासी के रास्ते हैं कहाँ पे हैं, एरिया का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। पूल के अंदर और परिसर के बाहर पैदल गश्ती भी निरंतर हो, ताकि किसी प्रकार की जो प्रतिबंधित वस्तु है, जैसे पिछली बारी हुआ था शराब की खाली बॉटलें मिली थी, तो इस प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार की शरारत कर नहीं पाए, और इस प्रकार की कोई भी आपको वस्तु मिलती है तो आप लोग उसको जब्त करके सचिवालय थाना को हैंडओवर करेंगे। ये खास करके ज़रूरी हो जाता है संध्या के पश्चात और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि उस वक्त जो हो सकता है कोई भी जिसको शरारत मन में सूझ रही हो वो इस प्रकार की शरारत करे। इसलिए इन दो समय पे आप लोगों को पैदल गश्ती करना है, पूरे सचिवालय परिसर को और पूरे विधानसभा के परिसर को आप लोगों को सैनिटाइज करना है, और इस प्रकार की वस्तु को आप लोगों को हटाना है, ताकि वो किसी प्रकार से जो भी जिसके मन में जो भी शरारत है उसको वो उसकी आड़ में वो अपना जो भी उसका एजेंडा है उसको आगे नहीं कर पाए। जो गेट्स पे जिन लोगों की प्रतिनियुक्ति है, खास करके जो गेट नंबर 8 है जहाँ पे VIP लोग, इसमें आप लोगों को बता दिया गया है ADM साहब के द्वारा, कुल 9, में दोबारा दोहरा देता हूँ कि गेट नंबर 8 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सभापति विधान पार्षद, दोनों उप मुख्यमंत्री के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। Get ready for the...